नमस्कार, छत्तीसगढ़ का नंबर वन बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करें दंतेवाड़ा के जिक्र के साथ। बेलाडीला में ड्रिल के वक्त एक बड़ा हादसा हुआ। एनएमडीसी के SP3 प्रोजेक्ट में भूस्खलन होने की वजह से 6 मजदूर जल दब चुके हैं। 4 मजदूरों की मौत हो गई है। LNT कंपनी यहां पर ड्रिलिंग करवा रही थी और हादसे के बाद यहां हड़कंप मचा। दबे मजदूरों निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन सफल नहीं हो सका है क्योंकि 4 मजदूर जिनकी जान जा चुकी है, 2 अभी भी इसी मलबे में दबे हुए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देर रात की रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई। प्रयास ये किया जा रहा है कि 2 अन्य मजदूरों की तलाश लगातार हो रही है, वो सफलतापूर्वक की जा सके। LNT कंपनी यहां पर ड्रिलिंग करवा रही थी और उसी के दौरान भूस्खलन को लेकर जानकारी सामने आई। कुल मिलाकर 6 मजदूर इस मलबे में दबे हुए। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे उसी स्थल की जहां रेस्क्यू ऑपरेशन JCBs के जरिए प्रशासनिक अधिकारी पूरा अमला मौके पर तैनात प्रयासरत है कि दोनों मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। 4 मजदूरों की मौत की पुष्टि फिलहाल कंपनी की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से की गई है घटनास्थल को लेकर। आज किरंदुल के माइनिंग SP3 में एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां पर बताया जा रहा है कि 4 मजदूर दब के मर गए, 3 लोगों की बॉडी रिकवर कर ली गई है। मैं अपने साथी को कहूंगा कि वो दिखाएं जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। यह घटना लगभग 2 से 2:30 बजे की बताई जा रही है और मैं अपने साथी से कहूंगा कि वो दिखाए इस एरिया को जहां पर भूस्खलन की वजह से 4 मजदूर दब के मर गए, 1 की रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है जिसको निकालने के, उसकी बॉडी को निकालने के लिए। आपको बताना चाहूंगा कि ये, मैं अपने साथी से कहूंगा कि ये दिखाएं, ये वही जगह है जहां पर मजदूर काम कर रहे थे और अचानक यहां पर भूस्खलन हुआ। यहां पत्थर तोड़ते समय यह हादसा हुआ है और यह हादसा में कई मजदूरों के दबने की जानकारी मिल रही है। मैं अपने साथी से कहूंगा कि दिखाए हुए एक जेसीबी जब यह पहाड़ टूटा, जब ये ड्रिलिंग के समय यह पहाड़ टूटा तो वह जो जेसीबी मशीन का ऑपरेटर था, वो ऑपरेटर अपनी जान बचाकर कूद के यहां से भागा है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और मैं अपने साथी से कहूंगा कि ये एरिया को दिखाए जहां पर, ये एरिया को दिखाए जहां पर ये मजदूर काम कर रहे थे और अचानक ही ये पहाड़ से पत्थर जब टूटा तो नीचे मजदूर काम कर रहे थे और काम करते वक्त अचानक ही वो दब गए। मलबे में दबने से 3 लोगों की मौत हो गई और 4th की खोजबीन जारी है। ऐसा बताया जा रहा है कि और भी कई लोग इस भूस्खलन में दबे हो सकते हैं। कैमरा पर्सन के साथ दिनेश गुप्ता, News18 दंतेवाड़ा, किरंदुल। ग्राउंड जीरो से News18 की रिपोर्ट देते हुए हमारे सहयोगी आपको नजर आए, जिन्होंने ये बताया कि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जो 2 अन्य मजदूर हैं जो अभी भी फंसे हुए हैं उन्हें रेस्क्यू करने के लिए प्रयासरत है टीम। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं। सहयोगी दिनेश गुप्ता के पास आपको सीधे लिए चलेंगे। दिनेश, मौजूदा हालात क्या है रेस्क्यू को लेकर अपडेट? जी, मैं आपको बता दूं कि जो भूस्खलन हुआ था, इस भूस्खलन में 4 मजदूरों की मौत हो गई है, 3 का बॉडी जो रिकवर कर लिया गया है और 4th की खोजबीन जारी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेस्क्यू टीम है जो लगातार उस बॉडी को खोजने के लिए लगे हुए, मजदूर की बॉडी को आप देख सकते हैं मेरे पीछे रेस्क्यू टीम लगी हुई है और इस रेस्क्यू टीम का जो उस समय ऑपरेट कर रहा था, जो ड्राइवर था, अचानक पहाड़ टूटने की वजह से वो जब उसको ऐसा एहसास हुआ कि पहाड़ टूट रहा है, वो अपनी जान बचाकर पोकलैंड छोड़कर वो भागा, तब उसकी जान बच पाई। फिलहाल उसका इलाज बचेली अस्पताल में इलाज चल रहा है। युद्ध स्तर पर लगातार प्रयासरत है टीम कि जल्द से जल्द रेस्क्यू हो सके। बहुत शुक्रिया आपका दिनेश, ये जानकारी साझा करने के लिए। और उसके बाद अब राजनीतिक खबरों पर आते हैं। सीएम विष्णुदेव साय का जिक्र, जिन्होंने पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी को महिला अत्याचार को लेकर पत्र लिखा है। इसे लेकर अब प्रदेश में सियासत बढ़ गई है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को छत्तीसगढ़ में झांकने की सलाह दे दी है और बीजेपी ने कांग्रेस को 5 साल के शासन की याद दिला दी। रिपोर्ट देखिए।
पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिला अत्याचार ने छत्तीसगढ़ में सियासी तपिश बढ़ा दी है। पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने ममता बनर्जी को पत्र लिखा, जिसकी गूंज विधानसभा में सुनाई दी। मामले पर कांग्रेस विधायक अनिल भेड़िया ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे मुख्यमंत्री ने कलकत्ता की सीएम ममता बनर्जी को लेटर लिखा है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन राज्य में झांके आदिवासी बच्चों का अपहरण हो रहा है, कवर्धा में महिलाओं की हत्या हो रही है, जला दिया जा रहा है। इस तरह की स्थिति छत्तीसगढ़ में है और हमारे सीएम राज्य को संभालने की बजाय दूसरे राज्य के सीएम को पत्र लिख रहे हैं। आज एक और खबर मिला है कि हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी कलकत्ता के हमारे मुख्यमंत्री को लेटर लिखे हैं कि वहाँ महिलाओं के साथ अनाचार अत्याचार हो रहा है इस तरह की कि उसमें आप संभालो, पर आप किसी के घर को झांकने के पहले अपने घर को देखिए, अपने राज्य को देखिए। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में अभी क्या हो रहा है, आदिवासी बच्चियों का अपहरण हो रहा है। इधर कांग्रेस के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी विधायक ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, बयानों में संवेदना होनी चाहिए, कांग्रेस जिस तरह से बात कर रही है पिछले 5 सालों में प्रदेश की जो स्थिति है उसको देखें फिर सवाल उठाएं। लगातार 5 सालों में छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया है, लेकिन कांग्रेस उससे भूल गई है। इनको कमेंट करने के पहले कांग्रेस वालों को खुद पे देखना चाहिए कि कानून व्यवस्था किस तरीके से छत्तीसगढ़ में रही है। और रहा सवाल जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो पत्र लिखा है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को, तो मुझे लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी उनकी चिंता व्यक्त की उन्होंने, और भाजपा के कार्यकाल की मैं कांग्रेस के कार्यकाल की अगर बात करूं तो इनके ही जो वरिष्ठ नेता थे, हर छोटी छोटी बात में जो ये हमारे प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते थे, तो आज इनको चिट्ठी से इतनी तकलीफ किस बात की होने लगी, मैं ये जानकारी चाहती हूँ। विधानसभा चुनाव गवा चुकी कांग्रेस कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल के बहाने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है और बीजेपी भी महिला अपराध को लेकर कांग्रेस को उसके कार्यकाल की याद दिला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।